सभी को नमस्कार। एमआरसी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने टॉपिक चल रहा था परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। उसके अंदर अपन ने थॉमसन हो गया था और अपना चल रहा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, उसका कुछ पार्ट अपने प्रेक्षण अपने हो गए थे। आज है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के निष्कर्ष, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के निष्कर्ष, ठीक। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल निष्कर्ष क्या थे? तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी निकाली थी और उस पर अल्फा कणों की बोछा की थी। ऐसी स्थिति अपनी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की थी। तो उसने नंबर एक कहा था कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकले, कौन से थे? सीधे निकलने वाले, सीधे निकलने वाले अल्फा कण, ठीक। नंबर दो कहा था कुछ मार्ग से विचलित हो तो मार्ग से विचलित अल्फा कण, ठीक। तो अब अपन इसके प्रेक्षण थे ना, अपन इसे निकालते हैं निष्कर्ष। तो नंबर एक निष्कर्ष, सबसे पहले इस तरह की अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते, उससे रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, इसका अर्थ है परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खोखला होता है, जिससे अधिकतर अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। इस भाग को उसने कहा बाहरी भाग, यानी परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है? खोखला होता है, इसे परमाणु का क्या कहते हैं? भारी भाग कहते हैं, ठीक है। नंबर दो निष्कर्ष उसने निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश व द्रव्यमान, धनावेश व द्रव्यमान उस परमाणु के अति सूक्ष्म केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का कुल धनावेश व द्रव्यमान उसके अति सूक्ष्म केंद्र में स्थित होता है, जिसे कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। क्वेश्चन आता है किस कंपटीशन में या एग्जाम में नाभिक की खोज किसने की? पापटी कनोगा रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। यानी परमाणु कुल धनावेश व द्रव्यमान सूक्ष्म केंद्र में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक का व्यास 10^-15 मीटर होता है, तो परमाणु का व्यास होता है 10^-10 मीटर। यानी नाभिक का व्यास कितना? 10^-15 मीटर। तो परमाणु का व्यास कितना होता है? 10^-15 मीटर, ठीक है। नंबर तीन इसका सूचना निकाला किस परमाणु के नाभिक के अंदर, इस परमाणु के नाभिक के अंदर कुल धनावेश, परमाणु का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के, परमाणु का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है। परमाणु का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है। यही कारण है कि परमाणु क्या होता है? उदासीन। यही कारण परमाणु क्या होता है? उदासीन। नाभिक कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, ये इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन। नंबर चार उसने निष्कर्ष निकाला कि भिन्न भिन्न परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कैसे होगी? भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कैसे होगी? भिन्न भिन्न। और नंबर पांच उसने निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मान लीजिए है इसके नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये थे अपने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के निष्कर्ष।
यानी अधिकतर अल्पाकण सीधे क्यों निकले, क्योंकि परमाणु का बाहरी भाग ऐसा होता है खोखला होता है, जिससे अधिकतर अल्पाकण सीधे निकल गए। नाभिक का कुल धनांश द्रव्यमान अति सूक्ष्म केंद्र में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं नाभिक। तो नाभिक खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। नंबर तीन, नाभिक के अंदर कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन। और नंबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सर्पिलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक। ये थे अपने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के निष्कर्ष। अब इस आते पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, तो बात कमियों की कहे तो एक वैज्ञानिक हुए थे मैक्सवेल, कहते मैक्सवेल, इसने कहा एक सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय के विकिरण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में उसने कहा था कि जब कोई आवेशित कण एक निश्चित गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, अपनी ऊर्जा में कमी करेगा और अंत में अपना मार्ग छोटा करेगा और वह अंत में नाभिक में गिर जाता है। इसी प्रकार जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है वह धनावेश नाभिक के चारों एक पथ में चक्कर लगाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, एक पथ में चक्कर लगाएगा, धीरे 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 अपना मार्ग को छोटा करेगा, अंत में किस में गिर जाएगा, नाभिक में। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग को छोटा करेगा, सर्पिलाकार पथ में चक्कर लगा तो धीरे धीरे मार्ग को छोटा करेगा, मार्ग को छोटा करेगा तो ऊर्जा का ह्रास करता हुआ अंत में किस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाना चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व होना चाहिए, जब ऐसा नहीं होता है इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नहीं कर सका। नंबर दो कमी थी, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल था ये जो इलेक्ट्रॉन निश्चित सर्पिलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, तो इन पथ में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में नहीं बता सका कि किस परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। और नंबर तीसरी इसकी कमी थी, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सर्पिलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ में जब चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा का ह्रास वो धीरे 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 करेगा, ऊर्जा का ह्रास सतत रूप से करेगा, कंटिन्यू सतत रूप से करेगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से करता है तो इसका जो परमाणु स्पेक्ट्रम आता है परमाणु स्पेक्ट्रम, वह परमाणु स्पेक्ट्रम सतत आने चाहिए, कैसे आने चाहिए परमाणु स्पेक्ट्रम कैसे आने चाहिए, सतत आते। जबकि हाइड्रोजन आयन में परमाणु स्पेक्ट्रम देते तो परमाणु स्पेक्ट्रम आते हैं रेखीय, कैसे आते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम आते हैं। इस प्रकार परमाणु रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत आने चाहिए, जबकि आते कैसे रेखीय, इसके बारे में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नहीं बता सका। इस प्रकार अपना रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं न्यूज़ फॉर परमाणु मॉडल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।